हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस एंड पार्ट थ्री। सो इन दिस वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ग्रेनम इज देयर एंड इनसाइड द ग्रेनम क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर देयर। इज दैट क्लियर? सो हेयर वी डिस्कस दैट विच आर द मेजर पिगमेंट्स विच एब्जॉर्ब द सनलाइट और रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट एंड दे कन्वर्ट और हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। सो हेयर इन दिस टॉपिक डिस्कस अबाउट द फोर मेजर पिगमेंट्स। द वन इज क्लोरोफिल। ओके, सो सेवन टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ई, बैक्टीरियोविडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इन दिस द क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट। ओके, इट इज द यूनिवर्सल मेजर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द फोटोट्रॉप्स। ओके, after that chlorophyll b and others are s3 pigments। okay, so before go ahead, because mainly three major pigments which play important role in absorption of sunlight and take part in photosynthesis, which are those? One is chlorophyll, another is carotenoids, and third one is phycobilins। okay, about that we discuss later on। first let discuss about the structure of chlorophyll। As I am telling you that major seven types of chlorophyll are there which are present in the phototrophs, and especially chlorophyll A is the universal pigment which is present in all the phototrophs. Other are variable, they may be present or may be not. Bacteriovidin and bacterial chlorophyll, they are mainly present into the bacteria. Okay, so chlorophyll, the structure of the chlorophyll is given by the Will Stater, Stoll and Fieser in 1912. Okay, structure of the chlorophyll given by the Will Stater, Stoll and Fieser. When? In 1912. So let's discuss about the structure of chlorophyll. It is mainly consist of two parts: porphyrin ring and phytol chain. Is it clear? The structure is consist of porphyrin ring and phytol chain. इट इज कंसिस्ट ऑफ टेट्रा पायरोल रिंग। टेट्रा इट मीन्स चार रिंग होती है। इसके सेंटर में कौन सा एटम होता है? मैग्नीशियम। ओके, विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन और इससे कनेक्ट करती है चार पायरोल रिंग। ओके, जो एक साइक्लिक मैनर में अटैच होती है। किस मैनर में अटैच होती है? साइक्लिक मैनर में, और वो बनाती है साइक्लिक टेट्रा पायरोल रिंग। इज दैट क्लियर? यानी क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पोरफायरिन रिंग एंड फाइटोल चेन। ओके, पोरफायरिन रिंग में क्या होता है? चार पायरोल रिंग कंबाइंड होती है और वो इस तरीके से जॉइंट होती है, दे आर फॉर्मिंग द साइक्लिक टेट्रा पायरोल रिंग। ओके, जिसमें क्या होता है, एंड वाली जो होती है, इट मीन्स ये आपके साइड में एंड वाली रिंग है, इस पे मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है। मिथाइल ग्रुप, देखिए और भी ग्रुप कनेक्टेड है लेकिन हमने इसी की बात क्यों की है? बिकॉज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में ये एक मेजर डिफरेंस है। इस देखते हैं, इसकी जो पायरोल रिंग है उस पर मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्ट होता है। इस देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी। सेंटर में दोनों में वही मैग्नीशियम है। ये पूरा आपका क्या स्ट्रक्चर बन गया? साइक्लिक टेट्रा पायरोल रिंग। और इसकी जो फोर्थ वाली रिंग है, इज इट क्लियर? जो फोर्थ वाली रिंग है इस पे क्या कनेक्ट होती है? 20 मॉलिक्यूल्स की एक फाइटोल चेन कनेक्ट होती है। इज इट क्लियर? तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू राइट इन दिस मैनर। ओके, क्या कनेक्ट होती है? फाइटोल चेन कनेक्ट होती है फोर्थ पायरोल रिंग से। इज इट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है C55H72O5N4NMG, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55H70O6N4MgO। इज इट क्लियर? ओके, क्यों? वन ऑक्सीजन का हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्ट है तो वहां पे इंक्रीज हो गया,
तो देखिए एक मेजर डिफरेंस है कि इसकी जो पायरोल रिंग होती है एंड में उससे मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्ट होता है. इज दैट क्लियर? ओके. दूसरा आपको उसका फॉर्मूला से पता लग गया कि इसका फॉर्मूला क्या है, C55H72O5 है. ओके. N4 है, Mg है, जबकि उसमें C55H70 और O6 हो गया. अच्छा, जो क्लोरोफिल ए होते हैं दे आर ऑफ ब्लू कलर. ओके. जबकि क्लोरोफिल बी होते हैं वो येलो कलर के होते हैं. क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है और इसको आप मेजर पिगमेंट भी कह सकते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी क्या है, एक एक्सेसरी पिगमेंट है. इज इट क्लियर? तो ये था इसका स्ट्रक्चर. अब देखिए हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल की और क्या क्या खासियत है. तो ये पोलर मॉलिक्यूल है. क्लियर है? पोलर मॉलिक्यूल है. इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, 4 इसमें टेट्रापायरोल रिंग्स होते हैं, फाइटोल चेन होती है. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे कि और कौन से पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोफिल के बारे में. सेकेंड जो पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स. कैरोटीनॉइड्स 2 टाइप्स के होते हैं. देखिए जो भी लाइट या रेडिएशन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वो रेडिएशन या लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल. कैरोटीन्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, जबकि जैंथोफिल्स होते हैं वो येलो और ब्राउन कलर के होते हैं. इज इट क्लियर? कैरोटीन्स में जैसे आपका लाइकोपिन है. ओके. इसके अलावा थर्ड जो टाइप का पिगमेंट है दोज आर फाइकोबिलिन्स. ओके. फाइकोबिलिन्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फाइकोइर्थ्रिन एंड फाइकोसाइनिन. फाइकोइर्थ्रिन जो होते हैं, आपको रिमाइंड होगा जब हमने एल्गी की क्लासेस पढ़ी थी तो आपको बताया था कि जो फाइकोइर्थ्रिन यानी रेड एल्गी है उसमें रेड पिगमेंट होते हैं, तो दैट इज फाइकोइर्थ्रिन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोइर्थ्रिन, ओके, जो रेड एल्गी उनका कलर रेड होता है. तो फाइकोबिलिन्स क्या है, 2 पार्ट्स में है, फाइकोइर्थ्रिन विच इज ऑफ रेड कलर मेनली प्रेजेंट इन द रेड एल्गा, और दूसरा है फाइकोसाइनिन जो किसमें होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है यानी साइनोबैक्टीरिया में, और ये ब्लू कलर का होता है. इज इट क्लियर? तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेनली 3 होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स. लेटर ऑन उनकी सब क्लासेस है. इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया कि विल स्टेटर, स्टोल और फीसर ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिया था. स्पेशली 2 पार्ट्स का बना होता है, एक इसमें 4 फायरिन रिंग होती हैं, जो स्पेशली 4 होती हैं, जिसको हम क्योंकि साइक्लिक मैनर में होती है दैट्स व्हाई दे आर नोन एज साइक्लिक टेट्रापायरोल रिंग, जिसकी 4th रिंग से फाइटोल चेन कनेक्ट होती है अबाउट 20 मॉलिक्यूल्स की. इज दैट क्लियर? इसके अलावा हमने क्लोरोफिल ए और बी में भी डिफरेंसेस देखे. ओके बेटा. सो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. सब्सक्राइब ऑल्सो. हैव ए गुड डे.